दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि एगीट्यू का मॉक टेस्ट होने वाला है और मॉक टेस्ट फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर फाइनल वाले की डेट भी आ चुकी है। बट इस वीडियो में आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी एगीट्यू का मॉक टेस्ट कब होगा, किस डेट में होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर फाइनल ईयर का। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न करके आपको मेन पॉइंट का बताता हूँ कि आपका मॉक टेस्ट कब होगा, सिलेबस क्या आएगा। काफ़ी सारे उसमें पूछे सर कि सिलेबस जो है सारे सब्जेक्ट का आएगा या फिर जीके होगा या फिर क्या होगा। चलिए पहले हम बताते हैं डेट के बारे में, किस डेट में होगा। हो जाओ तैयार, क्योंकि आपका मॉक टेस्ट आ चुका है। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट तो आपका कल से स्टार्ट है, 13 से 18 के बीच में। हाँ, 13 को हो सकता है, 14, 15, कभी भी, कोई डेट फिक्स नहीं की एगीट्यू ने। हो सकता है कल एगीट्यू नोटिफिकेशन जारी कर दे। तो अभी तक यही अपडेट है कि 13 से 18 के बीच में फाइनल ईयर वालों का मॉक टेस्ट होगा। बट 15 से लेकर 25 जुलाई तक में जो है नॉन फाइनल ईयर यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर और जो जितने बैक वाले हैं उनका भी हो सकता है उसी के डेट में हो, क्योंकि सभी छात्रों का मॉक टेस्ट होगा। तो आप मान चलो कि फाइनल के जो स्टूडेंट हैं उनका मॉक टेस्ट 13 से 18 के बीच में होगा, बाकी नॉन फाइनल का 15 से 25 जुलाई तक के बीच में होगा। बाकी जहां तक सब्जेक्ट की बात है, कौन कौन सब्जेक्ट आए, कौन कौन सिलेबस आएगा, तो देखो एकेटीयू ने कोई भी इस बात में, इसके बारे में कोई भी जो है डिस्कशन नहीं किया, ना तो कोई जानकारी दी है कि सिलेबस आपका क्या रहेगा सब्जेक्ट का। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि डेमो होगा। तो डेमो का मतलब यह है कि हो सकता है आपके जो है सब्जेक्ट से या फिर आपके सिलेबस से या फिर जनरली क्वेश्चन भी पूछ सकता है जीके से। तो आप मान के चलो कि आपका क्वेश्चन तो 50 रहेगा, ड्यूरेशन तो 90 मिनट ही रहेगा, लेकिन आपको आधा घंटा पहले या फिर एक घंटा पहले आपको लॉग इन करना होगा। तो एक घंटा पहले के ट्यू ने बोला था, लेकिन फिर दूसरे नोटिस में आधा घंटा पहले बोला है। तो आप एक घंटा मान के चलो और बैटरी बैकअप आपको कम से कम 3 घंटे का रख के चलना, 2.5 से 3 घंटा। और हाँ, दूसरी चीज़, आपको मेरी सलाह है कि आप मोबाइल से डेमो टेस्ट मॉक टेस्ट मत दो, आप लैपटॉप से। हाँ, आपकी प्रॉब्लम है, मजबूरी है, तो आप दे सकते हो, कोई ज़्यादा इशू नहीं, बहुत बड़ा इशू, बट आपके लिए लैपटॉप से देना हेल्पफुल रहेगा। बाकी चीटिंग फीटिंग का यार न सोचो तो अच्छा है। बाकी आप लोग मेरी वीडियोस दे सकते हो, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊँगा, ठीक है, चीटिंग के बारे में। और दूसरी चीज़ यार, आप मोबाइल से देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन उसमें आता है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह का, तो उससे आपका जो वार्निंग है वो काउंट होगा। तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वार्निंग अगर आपको काउंट होगा तो आपको जो है फिर वो सारी सुविधा नहीं मिलेगी जो लैपटॉप में मिलेगी, क्योंकि लैपटॉप में नोटिफिकेशन कम आता है। ये हो गई चीज़ लैपटॉप मोबाइल की। बाकी दोस्तों कनेक्टिविटी कुछ ने पूछे, तो 500 KB पर सेकंड की एक मिनिमम कनेक्टिविटी एगीट्यू ने बोला है। बट यार इतना ज़्यादा अगर आपसे कम 200-300 KB भी आती है तब भी आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने पर। बट कोशिश ये करो कि आप लोग जिस दिन आपका मॉक टेस्ट हो उस दिन आप लोग जो है 1 GB डाटा एक्स्ट्रा रखना, जैसे 2 SIM में करवा लेना जैसे आप। और मेरी सलाह है कि आप 2 SIM अगर आप जियो वोडाफोन यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं देखता हूँ देश के हर जगह वोडा और एयरटेल चलता है, पर एयरटेल कहीं कहीं नहीं चलता, हर जगह नहीं चलता। ओडा और जियो फोन हर जगह चलते हैं, तो आप जियो या ओडा दोनों में से कोई या दोनों में उस दिन के लिए डाल सकते हो जो पैक आता है छोटा वाला, एक दिन वाला। बाकी यार अगर आपको कोई और डाउट, हाँ, आपका ईमेल वगैरह अगर OTP अगर नहीं आ रहा हो या फिर कोई इशू हो तो उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आपका अगर आप AKTU ERP आप ओपन कर लेते हैं ना, अगर आपके AKTU ERP लॉगिन होता है तो हो सकता है AKTU ERP पे भी आपका जो है लॉगिन ID पासवर्ड आ जाए। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पे भी लिंक आ जाएगा, यही चांसेस है, क्योंकि AKTU ने बोला कि आपको ERP या फिर मेल ID या मोबाइल नंबर पे आएगा। तो AKTU अगर ERP पे आएगा तो आपको मेल और मोबाइल की कोई झंझट नहीं है, बट कोशिश ये करो मेल आईडी मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लो अगर नहीं किया तो। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई इसके अलावा कोई इशू हो, कोई भी डाउट हो, हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी हमने सारे वीडियोस बना चुके हैं ऑलरेडी, तो आपका 13 से यानी कल से आप तैयार हो जाइए फाइनल वाले स्टूडेंट। बाकी कोई न्यू अपडेट आएगा, न्यू जो है नोटिफिकेशन आएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ, और अपने दोस्तों वगैरह को भी शेयर करो। तो आज के बस इतना, थैंक यू सो मच।